दोस्तों आज है फ्राइडे और दिन है फ्राइडे चैलेंज का। ये बड़ा मजेदार चैलेंज है। एक ही लाइन से शुरू करके छह राइटर्स लिखेंगे छह अलग अलग नन्ही कहानियां। आज के चैलेंज की पहली लाइन है, पहाड़ की सड़क के किनारे एक चट्टान थी, वहां एक लड़की अकेले बैठी थी, दूर कहीं से एक लड़का उसे देख रहा था। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान ने इसी लाइन से शुरू करके कैसे लिखी है ये नन्ही कहानी, वो अकेली लड़की। पहाड़ की सड़क के किनारे एक चट्टान थी, वहां एक लड़की अकेले बैठी थी, दूर कहीं से एक लड़का उसे देख रहा था। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ सब्ज घास से घिरी गहरी नीली चट्टानें। उसके कदम धीरे धीरे लड़की की ओर बढ़ने लगे। ठंडी हवाओं ने पैरों में सिहरन पैदा की। लड़की जो उसके होने से बेखबर थी, वो पास सरकती परछाई को देखकर चौंक गई। सामने खड़े लड़के ने उसके खुले बालों से घिरे चेहरे को देखा। टकटकी बंधी निगाहों के दो जोड़ों ने बीते वक्त की पहचान पढ़ ली। लड़की की गर्दन एक तरफ झुक गई, जैसे वो किसी अफसोस में हो। लड़के ने दो उंगलियों से माथे की सलवट सहलाई। मन ही मन एक सवाल था, क्या ये आशी है? लेकिन वो तो एक ख्याल बीच हवा में जाकर लटक गया। सीने में जाने कैसी कसक उठी। लड़के ने कहा, आशी? खुद का नाम सुनकर भी वो ऐसे बैठी रही जैसे उसी पथरीली चट्टान का हिस्सा हो। लड़का आगे बोला, तुम यहां इस तरह? लड़की की आंखें मिच गईं, मुस्कान ने गालों को छुआ जैसे बुद्ध की कोई प्रतिमा हो। लड़का करीब आया, बोला, उस दिन के बाद फिर मिली ही नहीं? किस दिन? लड़की ने पहली बार कुछ कहा। क्या किस दिन? आखिरी पेपर वाले दिन जब तुम मेरे साथ थी, उसके बाद अचानक गायब हो गई। बताना तो चाहिए था, इतना भरोसा तो करती। लड़की ने आंखें खोल दी, बोली, क्या हम उन्हें बचा सकते थे? सवाल लड़के को अटपटा लगा। लेकिन इतना भी नहीं, क्या उसे याद नहीं था वो दिन? याद था। पेपर्स खत्म होने पर वो दोनों कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने शहर से दूर जा रहे थे। यही तो सड़क थी। बीच रास्ते में आवाजों की दहाड़ सुनाई दी। लड़के ने मोटरसाइकिल धीमी की। वहीं सड़क के किनारे मिट्टी में उल्टे पड़े दो इंसान दिखे और उनके बेसुध घायल शरीर को गुस्से से घेरे खड़ी भीड़ बौखलाई, नारे लगाती भीड़। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन चीखें सुनाई पड़ रही थी। आशी ने घबरा कर मोबाइल निकाला, लेकिन लड़के ने उसे वहीं रोक दिया। हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना यार, यही कहा था उसने आशी से। एंड वाई आर यू पैनिकिंग यार, डू यू इवन नो देम? आज इस बात को पूरे 8 महीने हो गए। इतने वक्त बाद अचानक आशी को यहां देखकर लड़का सचमुच हैरान था। बोला, तुम रास्ते पे बैठी रहोगी या कहीं और चल के बात कर सकते हैं? क्या मैं रास्ते पर हूं? मुझे तो कोई रास्ता दिखता ही नहीं, उसने कहा और चट्टान से नीचे सरक आई। दूर से आती एम्बुलेंस की आवाज सुनकर आशी सड़क की ओर बढ़ने लगी। लड़के की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब एम्बुलेंस सामने आकर रुकी, दो लोग उतरे और आशी को खींचकर अपने साथ जाने लगे, तो लड़का जैसे नींद से जागा हो हड़बड़ा के बोला, मैं जानता हूं उसे, शी इज माई फ्रेंड, आई नो हर। हेलो, ठीक से बिहेव करो भाई। आशी, तुम मेरे संग चलो। लड़के को नजरअंदाज करके एम्बुलेंस आगे बढ़ गई। लड़के ने फोन निकाला और कांपती उंगलियों ने कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाली और वो हांफते हुए बोला, हेलो, हाँ यार, आशी इसी शहर में है। दूसरी तरफ से जवाब आया, वो मेंटली फिट नहीं है यार। और उसके बाद पिघलते लावे जैसे वो शब्द। उसे बाद में पता चला था कि उस दिन सड़क पे और कोई नहीं, आशी का भाई था यार, हम उन्हें बचा सकते थे। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी, वो अकेली लड़की। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि इसी वाक्य से शुरू करके मेरी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गुसाई ने कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो अकेली लड़की। पहाड़ की सड़क के किनारे एक चट्टान थी, वहां एक लड़की अकेले बैठी थी, दूर कहीं से एक लड़का उसे देख रहा था। लड़की बार बार चट्टान से घाटी की गहराई देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सा तूफान उठा हुआ था।
चेहरा सुर्ख था और आंखों का काजल फैला हुआ था। आंसुओं के साथ साथ काजल भी पुच गया था शायद। आसपास फैली गहरी घाटी, चीड़ और देवदार के पेड़, वादियों की चुप्पी जिसकी तलाश में वो अक्सर इस जगह पर आ जाया करती थी, लेकिन आज इनमें से कोई भी उसको सुकून नहीं दे पाया। काफी देर तक जब वो लड़की वहां से नहीं हटी तो वो लड़का उसके पास आ गया। उसने बिना तारुफ के बातचीत शुरू कर दी। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आई हो, लड़के की भारी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। लड़की उसकी बेबाकी से थोड़ा असहज हो गई। उसने गुस्से में पूछा, क्या मतलब? आंसू अब भी उसकी पलकों के कोरों पर चमक रहे थे। लड़के ने उसी मध्यम आवाज में जवाब दिया, मतलब यह कि सर्दियों की ढलती शाम में शहर से इतने ऊपर पहाड़ पर जब कोई आता है तो वापस शहर जाने की सारी वजहें खत्म हो जाती हैं। लड़की ने बेरुखी से कहा, आप अपने काम से काम रखिए ना, मुझे जो करना हो मैं कर लूंगी। उस लड़के ने इस बेरुखी की परवाह न करते हुए अगला सवाल पूछा, कितने दिन पहले मिली थी उससे? 6 महीना? साल भर? लड़के के इस सवाल ने लड़की के अहंकार पर चोट की थी, लिहाजा जवाब आना लाजमी था। 5 साल से साथ हैं हम लोग, लड़की ने गहरी घाटी की तरफ देखते हुए कहा। शादी हो रही है उसकी? इस बार लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़के ने नीचे शहर की तरफ इशारा किया, वहां शहर में कहीं एक घर होगा ना उस लड़के का, पर एक घर तुम्हारा भी होगा। अपने पीछे तुम सिर्फ उस लड़के की मोहब्बत नहीं छोड़कर आई, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त और न जाने कितने रिश्ते हैं उस शहर में तुम्हारे। वो लड़का तो शायद अब तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता, मगर ये लोग। कुछ देर ठहर कर वो बोला, एक बात कहूं, अपने आप से हारे हुए इंसान को मौत में भी पनाह नहीं मिलती। अभी सूरज ढला नहीं है, लौट जाओ। लड़की अब भी चट्टान पर बैठी थी, मगर अब उसकी निगाहें नीचे खाई पर नहीं, घाटी में बसे शहर की तरफ थीं। शहर की रोशनी में जीने की कई वजहें टिमटिमा रही थीं। अगली सुबह उठकर उसने माँ को कस कर गले से लगा लिया। पापा को चाय देने गई तो देखा कि वो बाहर की टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। वो कप टेबल पर रखने ही वाली थी कि अखबार में छपी एक लड़के की तस्वीर पर उसकी नजर अटक गई। वही लड़का जो उस दिन पहाड़ पर मिला था। तस्वीर के ऊपर खबर छपी थी, लड़के ने हिलटॉप से कूदकर आत्महत्या कर ली। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य हर्षलता ने किस तरह इसी वाक्य से शुरू करके लिखी है एक नन्ही कहानी, वो अकेली लड़की। पहाड़ की सड़क के किनारे एक चट्टान थी। वहां एक लड़की अकेली बैठी थी। दूर कहीं से एक लड़का उसे देख रहा था। 2 घंटे होने को आए थे लड़की को वहां बैठे हुए। कुछ उदास थी या शायद रो रही थी। कुछ दूरी पर ही सैलानियों के लिए एक छोटे से स्टॉप में चाय पकौड़े की दुकान में बैठा रमेश उसे देखते हुए साथ साथ दुकानदारी भी संभाल रहा था। हल्द्वानी काठगोदाम कोई है? हल्द्वानी हल्द्वानी हल्द्वानी, ओ दाजू चाय पी ली तो आ जाओ बाहर को। जीप वाले ने अपनी सवारी को रमेश के रेस्टोरेंट से बाहर बुलाया। कितने हो गए रे रमेश? 1 चाय और 1 ब्रेड पकौड़ा। जीप चलने के इंतजार में चाय पीने आए बुजुर्ग ने पूछा, क्या क्या था आपका? हाँ 15 रुपए हो गए। सवारियों से हिसाब करके रमेश ने सवाल पूछकर जवाब खुद ही दे दिया। उसका ध्यान अब भी लड़की की ओर ही भटका हुआ था। पहाड़ के उस छोटे से स्टॉप पर आई कुछ देर की चहल पहल भी उस जीप के साथ चली गई। रमेश उठा और सड़क की दूसरी ओर बैठी लड़की की तरफ चल दिया। अच्छा सॉरी यार, अब चलना कुछ खा ले। लड़की की सिसकियां अचानक से तेज हो गईं। मनो देर से रुके उन आंसुओं को वजह मिल गई हो बाहर आने की। जा यहां से तू, चाय बना जाके। चंपा चल दुकान को चल, वहीं बात करेंगे। जा जा बड़ा आया, तू करेगा बात? तब तो नहीं बोला तू कुछ पिताजी के सामने? उन्होंने थप्पड़ मारा तब? बड़ा भाई है लेकिन आवाज नहीं निकली उस वक्त। चंपा की आवाज में शिकायत साफ थी। तूने भी तो फेलियर बोला मुझे। रमेश का गुस्सा भी बाहर आ चुका था। हाँ तो मुझे नहीं भेजनी पहाड़ में चाय? MBBS क्लियर किया है मैंने, 95% आए 12वीं में, 2nd नंबर है पूरे जिले में, डॉक्टर बनना है, और पिताजी वो तो फौजी के साथ शादी करा रहे हैं। चंपा की सिसकियां अब गुस्से में तब्दील हो चुकी थी। तुझे तो कुछ मतलब है नहीं पढ़ाई लिखाई से? 3 साल 10वीं में लगाई, 2 साल 12वीं में, और क्या कहती तुझे? रमेश ने बात काटते हुए चिढ़कर कहा,
थप्पड़ खाई है मेरे से भी। मुझसे मत बुला कर, तुझे पता है ना मेरे बस की नहीं है पढ़ाई। मैंने कुछ कहा तुझसे कि क्यों पढ़ रही है, तू अपना पढ़। क्या पढ़ाई, सब खत्म। कहते कहते चंपा फिर रो पड़ी। रमेश ने चंपा के सर पर हाथ रखा। देख चंपा, मैं तो किसी ढंग के रास्ते में चलानी, पर तूने तो आधा रास्ता पार कर लिया ठहरा। अब मंजिल तक नहीं पहुंची तो सब बेकार हो जाएगा। चंपा ने आंसू पोंछ कर अपने रमेश दा को देखा। तू चले जा रहे, भाग जा, जैसे भी हो निकल जा बस, नहीं तो कभी नहीं जा पाएगी। पर दादा, चंपा हैरान थी। कल दिन में गोपाल की गाड़ी फिर आएगी, बस अब तू घर जाके तैयारी कर और चुपचाप कल निकल जा। पिताजी को मैं समझा दूंगा, तू डॉक्टर बन जाएगी रे डॉक्टर। चाय पीने आना फिर। हाँ, कहते कहते रमेश ने चंपा के गाल पर हौले से थपकी दे दी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो अकेली लड़की। पहाड़ की सड़क के किनारे एक चट्टान थी। वह एक लड़की अकेले बैठी थी। दूर कहीं से एक लड़का उसे देख रहा था। मैं भी दफ्तर से लौटते वक्त उस अंधेरी ढलान वाले रास्ते पर रुककर उस लड़की को हैरानी से देखने लगा। कौन थी वो आखिर, उस गहराती शाम में सड़क किनारे उदास क्यों बैठी थी आखिर? उसके खुले बिखरे बाल घुटने पर टिके हुए सर को ढके हुए थे। कहीं वो वही रूह तो नहीं? मेरे मन में अचानक ख्याल आया तो मैं कांप गया। उस पहाड़ी इलाके में जॉब ट्रांसफर हुए 2 हफ्ते ही बीते थे। मेरी बूढ़ी मकान मालकिन, जिन्हें मैं अम्मा कहता था, उन्होंने सबसे पहली नसीहत मुझे ये की थी कि बेटा, लौटते वक्त पीछे वाले कच्चे रास्ते से आ जाना, लेकिन उधर उस रास्ते से मत आना, उस रास्ते पे एक उदास रूह भटकती है। मेरी नजरें उस उदास और शायद सिसक रही लड़की पर जमी थी। जहन में अम्मा की बात गूंज रही थी। ईमानदारी से बताऊं तो मुझे डर तो लगा था, लेकिन मैंने फिर खुद को संभाला। छोटे छोटे कस्बों में इस तरह की अफवाहें फैलना आम बात है। जरूर कस्बे के शरारती तत्वों ने शरारतन खबर उड़ा दी होगी। इन दिलासों से खुद को समझाता हुआ मैं हिम्मत जुटाकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। सुनिए, लेकिन तभी मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी जो चट्टान पर बैठा उस लड़की को गौर से देख रहा था। मैं उसके पास जाकर बोला, वो कौन है, आप जानते हैं क्या उसे? उस लड़के ने मेरी तरफ देखा तो मैंने नकली मुस्कुराकर अपना डर छुपाते हुए कहा, कोई कह रहा था कि वो कोई रूह वूह है। सच है क्या? रूह? अरे नहीं। उठकर मेरे करीब आते हुए वो लड़का हंसते हुए बोला, सलोनी नाम है उसका, पास के उधवपुर गांव में रहती है। मैंने राहत की सांस ली। तो यहाँ क्यों बैठी है, मैंने उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। वो बोला, उदास है बेचारी, जिससे प्यार करती थी वो शहर चला गया। वादा किया था कि खूब पैसा कमा के लौटेगा और शादी करेगा, तो नहीं आया क्या? मैंने पूछा तो उसने लड़की को उदासी से देखते हुए गहरी सांस ली और बोला, आया तो था, लेकिन शायद दोनों की किस्मत में मिलना लिखा नहीं था। उसने बताया कि जब सलोनी का प्रेमी शहर से गांव लौट रहा था तो उसकी बस ठीक उसी जगह पर चट्टान के किनारे से टकरा गई। बस का संतुलन बिगड़ा और बस सीधे खाई में जा गिरी। 35 मुसाफिरों में से कोई जिंदा नहीं बचा। तब से सलोनी अक्सर हादसे वाली जगह पे आती है और घंटों बैठ के रोती रहती है। मेरी आंखें भीग गईं। कितनी बदनसीब थी बेचारी। अम्मा की बात याद करके मुझे गुस्सा आने लगा था। अफवाहें उड़ा देते हैं, मैंने उस लड़के से कहा। वाकई बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। अच्छा, वैसे वो लड़का कौन था जिसकी उस बस हादसे में मौत हो गई? मेरी नजर कुछ दूर बैठी सलोनी पर थी। तभी उस लड़के की आवाज गूंजी, मैं ही तो था वो बदनसीब लड़का। मैंने चौंक कर फुर्ती से गर्दन घुमाई। रोए कांप गए मेरे। वो वहां नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था वहां। सामने उदास कदमों से सलोनी चली जा रही थी और मेरे जहन में अम्मा की आवाज फिर से गूंजने लगी थी,
बेटा उधर से मत जाना, उस रास्ते पर एक उदास रूह भटकती है। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन ने किस तरह इसी वाक्य से शुरू करके लिखी है एक नन्ही कहानी, वो अकेली लड़की। पहाड़ की सड़क के किनारे एक चट्टान थी, वहां एक लड़की अकेले बैठी थी। दूर कहीं से एक लड़का उसे देख रहा था। वो लड़की जिसे लोग सितारा कहकर पुकारते थे, उसकी पीठ पर घुंघराले बालों का आबशार बिखरा था। छोटे बड़े पत्थरों के बीच बैठी हुई सितारा खुद भी उसी चट्टान का हिस्सा लग रही थी। देर तक उसे निगाहों में भरने के बाद उस लड़के फहीम ने ठंडी सांस भरी और थके कदमों से घर की तरफ वापस होने लगा। दिल की सारी बातें डायरी में लिखने वाला फहीम आज बस इतना लिख सका, सितारा तुमसे कुछ कहना चाहता था, कल दिल्ली जा रहा हूँ, अच्छी नौकरी मिल गई है, हो सके तो मेरा इंतज़ार करना। ये कहना चाहता था लेकिन नहीं अपने प्यार का यकीन दिला सका और नहीं आज इतनी सी बात कह पाया। फहीम ने डायरी बंद कर दी। क्या कहे उससे, सितारा सिर्फ दोस्त समझती है उसे। 2 महीने पहले फहीम के प्रपोज करने पर कैसे हैरानी से देख रही थी, उदास आंखें दुख से भर गई थीं। फहीम उसकी नजरों की काट सह नहीं पाया था। जल्दी से कह उठा, शादी करना चाहता हूं तुमसे। जवाब में सितारा की वो सर्द आवाज उसके कानों में गूंजती रही। तुम्हें भी मुझ पे रहम आ गया ना, सफेद दाग वाली लड़की से शादी करके एहसान करना चाहते हो, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझती थी। फहीम बिना कुछ कहे वापस लौट गया। कैसे कहता कि इन 2-4 निशानों से उसे फर्क नहीं पड़ता, ये बात वो समझती क्यों नहीं। सितारा को इस बात का यकीन दिलाना आसान कहां था। 2 साल पहले हुई इस बीमारी ने उस प्यारी लड़की को तोड़ कर रख दिया था। फहीम उस रोज के बाद खामोश हो गया था। सितारा से वो प्यार करता था, उसके दुख का सबब नहीं बन सकता था, मगर अब वो दोस्ती नहीं रह गई थी। न जाने कैसी झिझक दोनों के दरमियान आ गई थी। दिल्ली जाने वाली बात भी उससे कहां बता पाया था। फहीम की बहन रूही सारी बात जानती थी। फर्श पे चटाई फैलाए भाई के बैग में कपड़े रखते हुए बोली, कल मैं सितारा के घर गई थी। बाथरूम स्लिपर्स पैक करते हुए फहीम के हाथ रुके नहीं, वो चुपचाप रूही को चीजें थमाता रहा। भाई तुम सुन रहे हो ना, कहते हुए रूही ने बैग दीवार से सटा कर रख दिया। दिल्ली में तुम सबकी याद आएगी, फहीम धीमे से बोला। उसकी नजरें अपनी कलाई पे टिक गईं। वहां एक फ्रेंडशिप बैंड था जिसे सितारा ने गिफ्ट किया था। दिल अनजाने बोझ से भर उठा। कुछ देर बाद वो बाहर निकल आया। अरे तुम कब आई? बाहर आड़ू के पेड़ के पास सितारा खड़ी थी। जा रहे हो? सितारा ने सवाल किया। उसकी हथेलियों में फहीम की डायरी थी। ये रूही ने दी? हाँ, मैं सर हिलाते हुए नम आंखों से सितारा ने उसे देखा और बिना कुछ बोले फहीम की उंगलियां थाम ली। जल्दी वापस आना, मैं इंतजार करूंगी, कहते हुए सितारा ने धीमे से फहीम के कंधे पर सर रख दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने इसी लाइन से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, वो अकेली लड़की। पहाड़ की सड़क के किनारे एक चट्टान थी, वहां एक लड़की अकेले बैठी थी। दूर कहीं से एक लड़का उसको देख रहा था, लेकिन ये मुई हवा उसे तंग कर रही थी। पास से गुजरती तो कानों पे बंधे मफलर के फुंदने चेहरे पे गुदगुदा जाते। अभी एक फुंदना नाक के पास ऐसे सुरसुराया था कि छपाक से छींक आ गई। वो तो उसने हथेली दबा के आवाज रोकी, वरना वो लड़की पलट के देखती और कहती, अरे नरेन तू? और वो जवाब देता, हाँ ज्योति मैं। नरेन ने फटाफट हथेली पे हुए छिड़काव को रगड़कर जैकेट से पोंछा और वापस लड़की को निहारने लगा। इंतजार में अगरबत्ती सी सुलगाती उसकी प्रेमिका ज्योति को। पूरे 2.5 साल बाद निहार रहा था वो उसे। वो अब तक उसका इंतजार कर रही थी, ये सोच के ही वो ढोकले सा फूल गया था।
भाई इसे कहते हैं सच्चा प्रेम, पाक मोहब्बत, ट्रू लव। बागेश्वर के एक मोहल्ले में रहने वाली ज्योति उम्मीद की पूरी पेट्रोमैक्स थी, यानी मोहल्ले के लड़के अपने प्रेम के पर्चे उसके इर्द गिर्द पढ़ते रहते। कोई शायरी चेपता, कोई डिब्बे और जीरे वाली बचकौआ कविता छाप देता, लेकिन ज्योति के दीदे चिपके रहते नरेंद्र पर। सुन, तू अनपढ़ ठहरा क्या? एक रोज ज्योति ने इशारे से उससे पूछा था, लेकिन वो चुप रह गया। अब किस मुंह से कहता कि उसकी राइटिंग चींटा के टांग जैसी थी? हा? अगर प्रेम के ढाई अक्षर लिख भी दे तो कौन सा उसको समझ आने थे? बहरहाल नरेंद्र ने एक रोज ज्योति के कानों में ईलू फुसफुसा के कह दिया कि ईलू का मतलब ये ईलू। प्रेम के इन तीन शब्दों के सहारे 3 साल निपट गए। आगे भी किस्सा चलता अगर नरेन की नौकरी दूसरे शहर में न लग गई होती। इसी चट्टान पे बीसियों आंसू, सैकड़ों आहें सौंप कर मैं इंतजार करूंगी, मैं वापस आऊंगा का वादा ले दे कर विदाई समारोह पूरा हुआ था। आज 2.25 साल बाद वहीं उसी जगह ज्योति को इंतजार करते देख के नरेंद्र का मन कुल्फी की तरह पिघला जा रहा था। अरे आज के जमाने में कौन इतना इंतजार करता है? अरे कौन समय बड़ा हीरो ठहरा, रईस ठहरा, या मुझ में सुरखाब के पड़ लगे हैं? ज्योति, तुम प्रेम की देवी हो प्रिय, देवी देवी देवी। उसका समर्पण देखकर नरेंद्र की आंखें भर आईं, झरना फूट गया, नदियां बहने लगी। उसने फटाफट मफलर खोल के मुंह पे पोछा लगाया और शतरंज के घोड़े की तरह फुदकता हुआ वहीं चला गया। मैंने कहा, तू अभी तक यहाँ ठहरी है? नरेंद्र ने रूमानी आवाज अंदाज में पुकारा। हाँ, क्या क्या गया था ना कि इंतजार, कहते हुए ज्योति पलटी ही थी कि उछल पड़ी। अरे नरेंद्र, तू? इस सवाल का जवाब उसके मुंह में कच्ची बर्फ सा जम गया। सीने पर पहाड़ी सांप लौटने लगे और वो सच्चे प्रेम वाली सोच थाली का बैंगन हो गई, यानी पलट गई। अरे भैया, प्रेमिका का मंगल सूत्र और सिंदूर देख के कोई पांव तो पूजेगा नहीं है? तो यहाँ किसका इंतजार कर रही थी? नरेंद्र ने हिम्मत जुटा के पूछा। अरे वो यहाँ से जा रही थी, मैं आगे, मेरे हस्बैंड पीछे पीछे, फिर मेरी चप्पल पे उनका पाँव पड़ा और चप्पल टूट गई। वो बोले इंतजार करो, मैं अभी टांके लगवा के लाता हूँ, बस मैं इंतजार कर रही हूँ, ज्योति कहती जा रही थी। और नरेंद्र मुंह पर दोबारा मफलर लपेट कर वापस चल दिया, दिल पर टांका लगाने वाले मोची की तलाश में। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। और चलते चलते अपने उन साथियों के नाम भी तो बता दूं जिनकी वजह से ये शो आप तक पहुंचा पाते हैं हम। इस शो की प्रोड्यूसर हैं कंटेंट प्रोजेक्ट और मंडली की साइट से अनुलता राज नायर, और इसकी साउंड डिजाइन करते हैं हमारे ऑडियो इंजीनियर शिवम मिश्रा। ये है यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 6।